प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बायोग्राफी। बायोग्राफी का टाइटल है द इंजीनियस साइंटिस्ट। इंजीनियस का अर्थ होता है शानदार या प्रवीण। साइंटिस्ट का अर्थ होता है वैज्ञानिक, एक शानदार वैज्ञानिक। यह इसाक न्यूटन के ऊपर आधारित है। तो देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं। ऑन क्रिसमस डे इन द ईयर 1642 इसाक न्यूटन वॉज बॉर्न एट द स्मॉल विलेज ऑफ वुल्सथॉर्प इन लिंकनशायर। इसका अर्थ होता है इसाक न्यूटन का जन्म लिंकनशायर के छोटे से गांव वुल्सथॉर्प में 1642 ईस्वी में क्रिसमस के दिन हुआ था। इसाक्स फादर विंग डेथ, इसाक के जो पिताजी थे उनके जन्म के साथ ही उनकी डेथ हो गई थी। मिसेस न्यूटन वाज मैरिड अगेन टू ए क्लर्जीमैन। यानी न्यूटन की जो माँ है वह एक पुजारी के साथ, क्लर्जीमैन मतलब होता है पादरी या पुजारी, उनके साथ दूसरी शादी कर ली। हर सन वाज लेफ्ट टू द केयर ऑफ हिज गुड ओल्ड ग्रैंड फादर। वह अपने बच्चे को यानी इसाक न्यूटन को वो उसके दादाजी के पास उनकी देखभाल करने के लिए छोड़ गए। द नॉट ए ब्राइट स्कॉलर, इसाक वॉज रिमार्केबल फॉर हिज इंजेन्यूटी इन ऑल मैकेनिकल ऑक्यूपेशन। कह रहा है यहाँ पे, यद्यपि इसाक सिर्फ अच्छे विद्वान ही नहीं बल्कि शुद्ध चालकता के आविष्कार में भी उनका एक विशिष्ट योगदान था। उस व्यवसाय में ही हैड ए सेट ऑफ लिटिल टूल्स एंड सॉ ऑफ वेरियस साइजेस मैन्युफैक्चर्ड बाय हिमसेल्फ। वह एक पूरा छोटे छोटे सेट होता है औजारों का समूह, उसको अपने खुद व खुद वह तैयार किए। सौ मतलब होता आरी, छोटा छोटा आरी होता है, और वह बहुत सारा विभिन्न प्रकार के उन्होंने खुद व खुद तैयार किए। विद द एड ऑफ दिज, यानी इसी की सहायता से ये जो छोटा छोटा आरी तैयार किए हैं इसी की सहायता से इसाक कंट्रीव्ड टू मेक मैनी क्यूरियस आर्ट के से, इसी की सहायता से वह उन्होंने बहुत सारे ऐसे काल्पनिक वस्तुएं बनाए जो उनको इच्छा थे। क्यूरियस मतलब होता है इच्छा, और कंट्रीब्यूट मतलब होता है काल्पनिक, यानी उस संसार में नहीं है, और ऐसे ऐसे अजूबे अजूबे चीज़ बनाए कि बहुत ही रोचक थी लोगों को देखने के लिए। ही सीम्ड टू हैव बिन बॉर्न विथ ए सॉ और चिजल इन हिज हैंड। सॉ मतलब आरी होता है, चिजल मतलब होता है रुखानी या हथौड़ी होता है। ये कह रहा है कि वह ऐसा लग रहा था कि वह जन्म से ही, इस शब्द को दूसरे शब्दों में कहें कि यानी पेट से ही वो अपने हाथों में आरी और रुखानी और छेनी लेकर के ही पैदा हुए थे। सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, उनके कुछ साथी नो डाउट निसंदेह एडवाइस्ड इसाक्स ग्रैंड मदर टू अप्रेंटिस हिम टू ए क्लॉक मेकर। उनके कुछ दोस्त ने उनकी दादी माँ को सलाह दिया कि इसे घड़ी बनाने की प्रशिक्षण दिलवा दिया जाए। फॉर बिसाइड्स हिम हिज ए मैकेनिकल स्किल, यानी उनके पास जो मैकेनिकल कौशल है, मैकेनिकल शिक्षा उनके हाथ में है, इसके अलावा भी यदि ये मिल जाए। द बॉय सीम टू हैव ए टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, उनके लिए एक लड़के के लिए एक गणितीय गणितीय टेस्ट मतलब होता है जांच, गणितीय जांच के रूप में भी उन्हें देखा जाएगा। व्हिच कुड बी वेरी यूजफुल टू हिम इन दैट प्रोफेशन, इस व्यवसाय में उनके लिए काफ़ी
उपयोगी साबित हो सकता है। यानी उनके पास तो मैकेनिकल नॉलेज है ही नहीं है, इसके अलावा भी यदि उनको घड़ी बनाने की शिक्षा मिल जाए तो इस व्यवसाय में उन्हें उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एंड देन उसके बाद इन ड्यू टाइम इसाक वुड सेट अप फॉर हिमसेल्फ एंड वुड मैन्युफैक्चर क्यूरियस क्लॉक्स। उसके बाद ड्यू टाइम, इन ड्यू टाइम का अर्थ होता है यानी समय देने के बाद, उसमें समय दिए, उसका प्रशिक्षण लिए, उसके बाद इसाक वुड सेट अप फॉर हिमसेल्फ, वह खुद व खुद ढेर सारे चीज़ सेट किए एंड वुड मैन्युफैक्चर क्यूरियस क्लॉक्स, और वह अपने इच्छित अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार ढेर सारे जो है ना घड़ियाँ बनाए। इनडीड यहाँ तक कि ही हैड ऑलरेडी मेड वन ऑफ ए काइंड व्हिच नोबडी हैड एवर हियर्ड ऑफ बिफोर। वह ऐसा ऐसा घड़ी बनाए जैसे जो घड़ी वह इसके बारे में वहाँ के लोग इससे पहले वो जानते भी नहीं थे और इसके बारे में सोचे भी नहीं थे। इट वॉज सेट गोइंग नॉट बाय व्हील्स एंड देयर वेट्स लाइक अदर क्लॉक्स बट बाय द ड्रॉपिंग ऑफ वाटर। दिस वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट वंडरमेंट टू ऑल द पीपल अराउंड अबाउट। कह रहा है इट वॉज सेट गोइंग, वह एक ऐसा सेट बना दिए थे घड़ी का कि नॉट बाय व्हील्स एंड देयर वेट्स लाइक अदर क्लॉक्स, यानी दूसरे घड़ी की तरह ही उसमें घड़ी का चक्का भी लगा हुआ था और उसमें वजन भी था, अपितु उसे पानी में भी ड्रॉप करके, पानी में भी गिरा करके उसको चलाया जा सकता था, यानी पानी में डालने के बाद भी हुआ चल सकता था। दिस वॉज एन ऑब्जेक्ट, यह एक ऐसा वस्तु था ऑफ ग्रेट वंडरमेंट टू ऑल पीपल अराउंड अबाउट, यानी उनके आसपास में जितने भी लोग थे उनके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक की वस्तुएं हो गई थी। बिसाइड्स इसके अलावा द वाटर क्लॉक इसाक मेड सैंडियर, यानी जो घड़ी पानी जलीय घड़ी बनाए, इसके अलावा भी इसाक ने सैंडियल, सैंडियल मतलब होता है सूर्य के प्रकाश से चलने वाली घड़ी, सूरज की रोशनी में चलने वाली भी घड़ी बनाए। दस इसलिए हिज ग्रैंड मदर वॉज नेवर एट ए लॉस टू नो द आवर फॉर द वाटर क्लॉक वुड टेल इट इन द सैड एंड द सैंडियल इन द सनशाइन। दस इसलिए हिज ग्रैंड मदर वॉज नेवर एट ए लॉस टू नो द आवर, यानी दादी माँ जो समय को खोए हैं उसके लिए उन्हें हानि की कोई बात नहीं है। फॉर द वाटर क्लॉक वुड टेल इट इन द सैड, उनकी जो छाई है, परछाई यानी दादी माँ की जो परछाई के रूप में उसे वाटर क्लॉक जो बनाया गया है उसको परछाई के रूप में उसे चलता रहेगा, यानी अभी तक जो आविष्कार हुआ है पानी का घड़ी वह उसकी परछाई की तरह सबूत के तौर पे वहाँ पे रहेगा। एंड द सैंडियल इन द सनशाइन, और जो सूर्य से चमकने वाले, सूर्य के प्रकाश से चमकने वाली चलने वाली घड़ी है वह सूरज की तरह ही चमकता रहेगा, यानी वो जो समय दिए हैं समय उनका गवाया नहीं गया है, उसको हानि नहीं हुआ है। इसाक पोसेस्ड ए वंडरफुल फैक्ट्री ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बाय द सिंपलेस्ट मीन्स, कह रहा है यहाँ पे इसाक पोसेस्ड ए वंडरफुल फैकल्टी, फैकल्टी मतलब होता संसाधन, बहुत ही अच्छा संसाधन के रूप, बहुत ही शानदार संसाधन के रूप में रखे हैं ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, एक्वायर मतलब होता है ग्रहण करना, ज्ञान को ग्रहण किया है बाय द सिंपलेस्ट मीन्स, यानी छोटे छोटे साधन से, छोटे छोटे औजार से, छोटे छोटे प्रयोग करके बहुत ही अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छा ज्ञान अधिग्रहण किए हैं। फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस का अर्थ होता है कि उदाहरण या सबूत,
यानी सबूत के रूप में वो आपको बता रहे हैं। टू गेज, गेज मतलब होता है एक नापने वाला जो है ना मशीन होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, यानी हवा का जो स्ट्रेंथ है, हवा का मजबूती क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, उसका नापने वाला एक मशीन बनाए। ही जम्प्ड अगेन द विंड, यह एक बार फिर से जम्प्ड कर गए हैं, एक बार खुद फिर से कूदक पड़े हैं, उछल पड़े हैं, इस बात के लिए कि इससे पहले वो घड़ी बनाए हैं, अब क्या है हवा की गति नापने वाला बनाया है। एंड बाय एंड लेंथ ऑफ हिज जंप, और उसी के लेंथ के अनुसार, उसी के ऊंचाई के अनुसार जंप किए हैं। ही कुड कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ए जेंटल ब्रिज, ए ब्रिस्क गेल और ए टेम्पेस्ट, वह कैलकुलेट कर सकते हैं यानी उसकी गणना कर सकते हैं। ब्रिज मतलब होता है मंद हवा, हल्की हवा, जो हल्की हवा चलती है उसको भी गणना कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ए ब्रिस्क गेल, और ब्रिस्क गेल का अर्थ होता है कि हल्की हवा से ज़्यादा और तूफान से कम, मीडियम साइज का जो हवा होती है उसको गणना कर सकते हैं। और ए टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट होता है बड़ी तूफान, उसको भी गणना कर सकता है। वैसा एक मशीन वो बनाए हैं। दस इसलिए इवन इन हिज वॉइस स्पोर्ट्स ही वॉज कंटिन्यूली सर्चिंग आउट द, यहाँ पर एक ही द होगा, सेक्रेट्स ऑफ फिलोसफी। इसलिए वह बचपन के ही यानी खेल कूद के समय से ही वह लगातार यह खोज कर रहे थे कि सेक्रेट का, सेक्रेट ऑफ फिलोसफी यानी दर्शन का रहस्य क्या है, दर्शन का रहस्य क्या है, इसकी खोजबीन में वह लगे हुए थे। नॉट फार फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर्स रेसिडेंस, उनके दादाजी के घर से ज़्यादा दूर नहीं, देर वाज ए विंड मिल, वहाँ पे एक वायु यानी पवन चक्की था। विंड मिल का अर्थ होता है पवन चक्की। व्हिच ऑपरेटेड ऑन ए न्यू इसाक स्पेंड मेनी आवर्स इन एग्जामिनिंग इट्स वेरियस पार्ट्स। इसाक न्यूटन जो है उसको ऑपरेटेड करने के लिए वहाँ पे जाते थे और वहाँ पे कई घंटा समय बिताते थे और उसकी जांच पड़ताल करते थे, उसको एग्जामिन करते थे कि यह जो मशीन है यह किस प्रकार से चलती है या इसकी क्या क्या विधा है। वाइल द मिल वाज एज रेस्ट, जब मशीन बंद रहा करता था, ही एस्प्राइड इनटू इट्स इंटरनल मशीनरी, तो इसका जो आंतरिक भाग था उसको जांच पड़ताल किया करते थे। When its broad sails were set in motion by the wind, जब वह तेज गति से चलती थी, he watched the process by which the millstones were made to revolve the crush the grain that was put into the hoppers. जब यह तेज गति से चलता था तो वह उस प्रोसेस को, उस क्रियाकलाप को बड़ी गौर से देखते थे और यह देखने का प्रयास करते थे कि वो कौन सा पत्थर है जो गेहूं या जो अनाज है वो हॉपर में डालने के बाद उसको पीस देता है। आफ्टर गेनिंग थ्रू नॉलेज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, इस कंस्ट्रक्शन से नॉलेज लेने के बाद, इस कंस्ट्रक्शन से जो वहाँ पे मशीन चल रहा था उस साइट का कंस्ट्रक्शन से नॉलेज लेने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, ही वाज ऑब्जर्व्ड टू बी यूजुअली बिजी विथ हिज टूल्स, वह वापस आने के बाद वो अपने जो छोटे छोटे टूल्स है उसके साथ व्यस्त हो गए और उस पर कुछ काम करना शुरू कर दिए। ही हैड कंस्ट्रक्टेड ए मॉडल ऑफ, यहाँ पे एक ही ऑफ होगा, द विंडमिल,
जो कंस्ट्रक्शन देख करके आए हैं उसी प्रकार के मॉडल पर आधारित एक पवन चक्की बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिए। एवरी पार्ट ऑफ द मिल एंड इट्स मशीनरी वाज कंप्लीट। जो मशीन का प्रत्येक भाग था सारे के सारे वह कंप्लीट कर लिए। इट्स लिटिल सेल्स वेयर नियरली मेड ऑफ लाइंड एंड वर्ल्ड राउंड वेरी स्विफ्टली व्हेन द मिल वाज प्लेस्ड इन द ड्राउट ऑफ एयर। वो सूखी हवा जब उसमें डाला जाता था, सूखी हवा के सामने जब वो चलाया जाता था, तो जो मशीन देख करके आए थे उसकी अपेक्षा यह काफ़ी तेज गति से यह चलना शुरू कर दिया था। इवन ए पुफ ऑफ विंड फ्रॉम इसाक्स माउथ और फ्रॉम ए पेयर ऑफ बेलोज वाज सफिशियंट टू सेट द सेल्स इन मोशन। यहाँ तक कि जो इसाक का मुंह है उनके मुंह से निकली हुई हवा और दो भांति, बेलोज मतलब भांति होता है, भांति उसको बोलते हैं जहाँ पे लोहार वर्क करता है, काम करता है और उसे चला करके वो कोयले को गर्म करता है, उसको बेलोज बोलते हैं भांति। तो उसके लिए पर्याप्त था, उसको चलाने के लिए पर्याप्त था। एंड व्हाट वाज मोस्ट क्यूरियस इफ ए हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स ऑफ व्हीट वेयर पुट इनटू द लिटिल हॉपर दे वुड सून बी कन्वर्टेड इनटू अ स्नो व्हाइट फ्लावर। एक मुट्ठी भर उसके हॉपर में, हॉपर उसको बोलते हैं जो डोंगा होता है, कहीं आप मिल पे देखे होंगे जहाँ पे आटा चक्की होता है तो गेहूं या कोई चीज़ ऊपर से रखा जाता है उसको डोंगा बोलते हैं, उसी को हॉपर बोलते हैं। उसमें डालने के बाद जब मशीन को चलाया गया तो थोड़ी ही देर में उसको एकदम उजला स्नो मतलब होता है बर्फ जैसा उजला, उसको आटा में बदल दिया। इसाक्स प्लेमेट्स वेयर इंचेंटेड हिज न्यू विंड मिल। इसाक का जो खेलने वाले साथी लोग थे वे काफ़ी उत्साहित थे, काफ़ी खुश हो गए इनके नए वाले जो पवन चक्की था इसको देख करके। बट इसाक सेड वन ऑफ देम, जो इनके साथी हैं खेल खेलने वाले साथी हैं उसी में से एक कहता है, लेकिन इसमें कुछ यू हैव फॉरगॉटन वन थिंग दैट बिलोंग्स टू ए मील। एक मील में जो होना चाहिए उसमें से एक तुम इसमें से मिस कर दिए हो, भूल गए हो। व्हाट इज दैट आस्क इसाक। इसाक कहता है क्या उसमें से क्या भूल गए हैं। फॉर ही सपोज दैट फ्रॉम द रूफ ऑफ द मील टू इट्स फाउंडेशन ही हैड फॉरगॉटन नथिंग। कह रहा है फ्रॉम द फॉर ही सपोज जैसा वो माना था फ्रॉम द रूफ ऑफ द मिल टू इट्स फाउंडेशन, इसका जो रूफ है यानी जो न्यूटन इसाक है वह नीचे में नहीं बल्कि ऊपर में मशीन को कसे हुए थे, रूफ यानी छत में कसे हुए थे, और वह जो छत था वही उसका बेस था, वही उसका आधार था। ही हैड फॉरगॉटन नथिंग, इस कारण से नहीं कह सकते हैं कि वह कुछ भूल गए हैं। आखिर वह उनका जो दोस्त था वो बताया कि तुम बेस लेना भूल गए हो, लेकिन वह बताया कि नहीं वो जो छत है वही उसका बेस है। व्हाई वेयर इज द मिलर सेड द फ्रेंड, उसी में से एक दोस्त कहता है व्हाई वेयर कैसे और कहाँ मिलर है यानी पीसने वाला कैसे और कहाँ है। दैट इज़ ट्रू, यह सही है। आई मस्ट लुक आउट फॉर वन सेड इसाक। इसाक कहते हैं कि यह बात तो सही है कि मैं ही तो हूँ उनमें से। ही माइट ईजली हैव मेड द
मैन्युफैक्चर फिगर ऑफ ए मैन। वही हो सकता है कि आसानी से इसको बना दिया हो, इसकी आकृति दे दिया हो। इट वुड नॉट हैव बीन एबल टू मूव अबाउट एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ मिलर। यह उतना आसान नहीं था कि उस मिल को अच्छे से कर्तव्यनिष्ठ होकर के उसको चला सके। इट सो हैपेंड हाउएवर दैट ए माउस हैड जस्ट बीन कैच इन द ट्रैप एंड एज नो अदर मिलर कुड बी फाउंड, मिस्टर माउस वाज अपॉइंटेड टू द इम्पोर्टेंट ऑफिस। कह रहा है इट सो हैपेंड, ऐसा हुआ हाउएवर, यहाँ तक कि दैट ए माउस, एक चूहा, हैड जस्ट बीन कैच इन द ट्रैप, वह उसमें गिरफ्त में आ गया, एंड एज नो अदर मिलर, कोई दूसरा मिल चलाने वाला कुड बी फाउंड, और कोई उसको फाउंड नहीं कर सका, कोई उसको पा नहीं सका। मिस्टर माउस वाज अपॉइंटेड टू द इम्पोर्टेंट ऑफिस, उस ऑफिस में एक चूहा को नियुक्त किया गया। द न्यू मिलर मेड ए वेरी रिस्पेक्टेबल अपीयरेंस इन हिज डार्क ग्रे कोट। एक न्यू जो मिल चलाने वाला था वह मेड ए वेरी रिस्पेक्टेबल, बहुत ही प्रशंसनीय अपीयरेंस, दिखावे में, बहुत ही प्रशंसनीय दिखावे में उसको एक अंधेरे कोट में रखा गया। ग्रे मतलब होता है ग्रे माउंटेन, ग्रे कलर होता है, आप समझ गए होंगे। टू बी श्योर, यह निश्चित है, ही हैड नॉट ए वेरी गुड करेक्टर फॉर ऑनेस्टी, यह ईमानदारी के लिए बहुत अच्छा करेक्टर नहीं था, एंड वॉज सस्पेक्टेड ऑफ समटाइम्स स्टीलिंग ए पोर्शन ऑफ द ग्रेन। यह सस्पेक्टेड था कि वह जो चूहा है वह उसमें से कभी कभी किसी समय उसमें से चुरा लेगा। स्टीलिंग मतलब होता है चुरा लेना, यानी चूहा को नियुक्त किया गया है ऐसा आशा की जा, सस्पेक्ट मतलब होता है कि निसंदेह करना, संदेह कर रहा है कि चूहा जो है वह इस गेहूं में से, इस अनाज में से वह चुरा सकता है। व्हिच वाज गिवन हिम टू ग्रेन, जो उसे पीसने के लिए दिया जाएगा, पीसने के लिए दिया जाता है उसमें से वह चुरा लेगा। एज इसाक ग्रे ओल्डर, जो ही वह उनका उम्र बढ़ते गया, ऑल डे लॉन्ग, दिन भर, इफ लेफ्ट टू हिमसेल्फ, यदि वह अकेले रहते थे, ही वॉज आइदर एब्जॉर्ब्ड इन थाउट और एंगेज इन सम बुक ऑफ मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलोसफी। तो सारा का सारा दिन वह कोई बुक और मैथमेटिक्स हो, चाहे दूसरा दूसरा बुक हो या प्राकृतिक दर्शन हो, उसमें हमेशा व्यस्त रहते थे और उसमें से एब्जॉर्ब करने का प्रयास करते थे, उसमें से कोई विचार को लेने का प्रयास करते थे। एट नाइट, एक रात, ही लुक्ड अप विथ क्यूरियोसिटी टू द स्टार्स एंड वंडर्ड वेदर दे वेयर वॉल्स लाइक आवर ऑन एंड हाउ ग्रेट वॉज दियर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एंड व्हाई द पावर दैट कैप्ट देम इन दियर कोर्स वॉज। कह रहा है यहाँ पे, एक रात वह आसमान को बहुत ही उत्साहपूर्वक देख रहे थे, सितारों को, कि कितना आश्चर्यजनक की बात है कि वे दुनिया के, जो हमारी दुनिया के एक भाग है, वह कितना दूर है, एंड हाउ ग्रेट वॉज देयर डिस्टेंस, यह कितना दूर है फ्रॉम द अर्थ, इस जमीन से, इस अर्थ से, एंड व्हाई द पावर, वह कैसी शक्ति है कि उसको इतनी दूरी पर बनाए रखे हुए है। When Isaac was 14 years old, जब वह 14 साल के हुए,
हिज मदर हर सेकेंड हस्बैंड नाउ डाइड, उनकी जो दूसरी पति थी वो मर चुके हैं, वह वापस आ गए। विश्ड हर सन है हर सन लिव टू स्कूल एंड असिस्ट हर इन मैनेजिंग द फार्म एट वुल्सथॉर्प। अब उनकी जो ओरिजिनल माँ है वह वापस आ गई है और वह चाहती है कि इसाक अपने स्कूल को छोड़ दे और खेती बाड़ी में उन्हें हाथ बटाए, उनको मदद करे। फॉर ए ईयर और टू, लगभग एक दो साल, देयर फॉर ऐसा वैसा ही हुआ। ही ट्राइड टू टर्न हिज अटेंशन टू फार्मिंग, वह खेती बाड़ी में हाथ बटावे, उनमें योगदान दे। बट दिस माइंड वॉज सो बेंट ऑन बिकमिंग ए स्कॉलर दैट हिज मदर सेंट हिम बैक टू स्कूल एंड afterwards to the University of Cambridge। एक दो साल वह खेती बाड़ी में हाथ बटाने का प्रयास किए लेकिन ऐसा ना हो सका। बट हिज माइंड वॉज सो बेंट, उनकी जो दिमाग है इतनी प्रवीणता के ऊपर, वो विद्वता के ऊपर इतना घूम चुका था कि उनकी माँ को फिर उन्हें स्कूल वापस भेजना पड़ा और स्कूल करने के बाद वह आगे चल करके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जा करके वी पढ़े। यू रिमेंबर, आपको याद होगा, आई सपोज मैंने मान लिया कि द स्टोरी ऑफ एन एप्पल फॉलिंग ऑन हिज हेड एंड दस लीडिंग हिज टू डिस्कवर द, यहाँ पे एक ही दा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन व्हिच कीप्स द हेवनली बॉडीज इन देयर कोर्सेस। आपको याद होगा, मैंने मान लिया कि आपको याद होगा कि आप एक स्टोरी सुने होंगे जो एक सेव इनके सर के ऊपर गिर गया था और इसी गिरने के कारण आगे चल करके वो उन्होंने यह आविष्कार किया या खोज की कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के बल का नियम की खोज की और पता लगा करके ये बताए कि दुनिया में जितने भी इस ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांडीय हेवनली बॉडीज है, ब्रह्मांडीय खाखा है, सारे के सारे इसी बल के ऊपर चलते हैं। व्हेन ही हैड वंस गॉट होल्ड ऑफ दिस आइडिया, जब यह विचार एक बार दिए थे, ही नेवर परमिटेड हिज माइंड टू रेस्ट अंटिल ही हैड रिसर्च्ड आउट द ऑल द लॉज बाय व्हिच द प्लैनेट्स आर गाइड थ्रू द स्काई। जब एक बार यह विचार इनके मन में आ गया तो वह कभी भी माइंड को यह रोक नहीं पाए कि वह चुपचाप बैठे रहे, यहाँ तक कि वह एक के बाद वह रिसर्च करते चले गए और सारे के सारे नियम और जितने भी ग्रह नक्षत्र है इसके जो गाइडलाइन है इसके बारे में वह पता करना शुरू कर दिए और पता लगा लिए। दिस ही डिड एज थ्रोली एज इफ ही हैड गॉन अप अमोंग द स्टार्स एंड ट्रैक्ट them in their orbits। और ऐसा यह हुआ ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने उधर जाने के लिए प्रयास किए, gone up among the stars, वे सितारों के बीच में उसको ट्रैक करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, ट्रैक मतलब होता है पकड़ना ही होता है उसको, वहाँ तक पहुँचना, और उसके बीच गए, उसके पहुँचे और उसका जो ऑर्बिट होता है, उसका जो अक्ष होता है उसको पता लगाए। व्हाइल मेकिंग दिस रिसर्चेज, जब यह रिसर्च कर रहे थे, ही वाज एकस्टम्ड टू स्पेंड नाइट आफ्टर नाइट इन ए लॉफ्टी टुवार्ड्स गेजिंग एट द हेवनली बॉडीज थ्रू ए टेलीस्कोप। जब यह इसकी खोज कर रहे थे, एकस्टम्ड मतलब होता है कि इसका कोई
जो है ना रुक एकस्टम्ड, एकस्टम्ड का अर्थ होता है कि अपरिचित, इस चीज़ से क्या थे अपरिचित थे। ही स्पेंड नाइट आफ्टर नाइट, कई एक रातों तक जो है ना वह समय बिताते रहते थे लॉफ्टी टावर्स के पास, गेजिंग एट द हेवनली बॉडीज, जो हेवनली बॉडीज है जितने भी ग्रह नक्षत्र है उसको हेवनली बॉडीज कहते हैं, ये सारे के सारे चीज़ों को वह टेलीस्कोप से देखा करते थे। हिज माइंड वॉज लिफ्टेड फॉर एबव द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, और इनकी जो दिमाग था वह सारे के सारे ऊपर में जितना सारा कुछ है उसको अच्छे से देखा करते थे। न्यूटन लिव्ड टू बी ए वेरी ओल्ड मैन, न्यूटन जो है बड़े ओल्ड मैन की तरह जीवन व्यतीत किए। एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनाउंड, और बहुत ही ख्याति प्राप्त किए। एंड वाज मेड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनको पार्लियामेंट का सदस्य भी बनाया गया। एंड रिसीव्ड द ऑनर ऑफ नाइटहुड फ्रॉम द किंग, और वहाँ के राजा के द्वारा नाइटहुड का अर्थ होता है शूरवीरता का ऑनर प्राप्त किए, सम्मान प्राप्त किए। बट ही केयर्ड लिटिल फॉर अर्थली फैन एंड ऑनर एंड फेल्ट नो प्राइड इन द वास्टनेस ऑफ हिज नॉलेज, यानी उनके पास जो ज्ञान का भंडार था, विशालता था, उसके ऊपर कोई घमंड नहीं किए, और जो ये सारे के सारे सिद्धांत दिए इसके बावजूद भी उन्हें कोई ज़्यादा घमंड नहीं था और एक सामान्य आदमी की तरह जीवन जी रहे थे। ऑल दैट ही हैड लर्नड ओनली मेड हिम फील हाउ लिटिल ही नो इन कंपैरिजन टू दैट व्हाट रिमेंड टू बी नोन, करें ऑल दैट ही हैड लर्न, वे सारे के सारे जो सीखे हैं ओनली मेड हिम, वह बताता है ऐसा वह महसूस करते हैं कि तुलना किया जाए तो दुनिया में जितने भी नॉलेज है, जितने भी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए, उस ज्ञान के सामने बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही कम है। आई सीम टू माई सेल्फ लाइक ए चाइल्ड, मैं हमेशा एक बच्चे की तरह महसूस करता हूँ, मानता हूँ। ऑब्जर्व हे, उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है, उन्होंने जो प्राप्त किया है, उसके बाद वो मानते हैं कि मैं एक बच्चे की तरह नॉलेज है मेरे पास, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। प्लेइंग ऑन द सी शोर्स, वह समुद्र के किनारे, समुद्र के साहिल पर वह खेला करते थे। एंड पिकिंग अप हेयर एंड देयर ए क्यूरियस सेल्स और प्रेटी पेबल्स व्हाइल द बाउंडलेस ओशन ऑफ ट्रूथ लाइज आउट अनडिस्कवर्ड बिफोर मी, यानी जो समुद्र है यह बाउंडलेस है, इसको खोज करने से पहले वह जो नदी के किनारे बहुत महंगे पत्थर थे या जो शंख थे या नदी समुद्र किनारे जो कुछ हुआ करता है छोटे छोटे बड़े बड़े चीज़, उसको उठाया करते थे और उठा करके उसी के साथ खेला करते थे, या जो बिकने वाला चीज़ था उसे बेचा भी करते थे। एट लास्ट, अंत में, इन 1727 व्हेन ही वाज 4 स्कोर एंड 5 ईयर्स ओल्ड, स्कोर का मतलब होता है 20, यदि 4 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 हो जाएगा, 80 प्लस 5 ये 5, यानी वह जब 85 ईयर्स ओल्ड थे, 85 वर्ष के थे, सर आइजक न्यूटन डाइड, और रादर ही सीज्ड टू लिव ऑन अर्थ, वह जब 85 वर्ष के थे तो सर आइजक न्यूटन का या तो डेथ हो गई या उन्हें
इस पृथ्वी पर से सीज कर लिया गया, गिरफ्त कर लिया गया, लेकर के यहाँ से चला गया। ही हैज़ लेफ्ट फेम बिहाइंड हिम, वो अपने ख्याति उनके पीछे छोड़ गए हैं। व्हिच विल बी एज इंड्यूरेबल एज इफ हिज नेम वेयर रिटन इन लेटर ऑफ लाइट फॉर्म्ड बाय द स्टार्स अपॉन द मिडनाइट स्काई। कह रहा है वह अपने पीछे ख्याति छोड़ गए हैं, जो कि ये बहुत ही इंड्यूरेबल मतलब होता है ना ख़त्म होने वाला, यानी चिरंतर आगे की ओर बढ़ते ही रहने वाला, बढ़ते ही रहने वाला। और उनका जो नाम है उस प्रकाश से लिखा जाएगा, उस प्रकाश से लिखा जाएगा जो रात में सितारे चमकते हैं, और उसी के द्वारा उनको निरूपित किया जाएगा। एक धवल अक्षर में, एक सुनहरा अक्षर में। उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक।